नमस्कार, आदाब। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं। मैं आपको मोहतरमा कुरातुल ऐन हैदर साहिबा का एक नॉवेलेट दिलरुबा सुना रहा हूं। आज इसकी पहली किस्त का उन्वान है पर्दा गिरने के बाद। ये जो शुरू का हिस्सा है ये असल में म्यूजिक और डांस का एक पीस है जो मैं बहुत ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं इसको नाटकीय अंदाज से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूं। रुबाब सितार पखावज सुर सिंगार बाज ध्यान मान से गमक तान से तीन ग्राम से बजे सब बाज नाचो नृत्य बताओ और उड़ाओ गंधर्व ग्राग मानी धानी धापा मागा रे साधा करतक धाकर तक धम धम कर तक धान तक थई धाकर तक थई आखिरी पुरुष को कोरस की गूंज मध्यम पड़ी अहदे विक्टोरिया के मैकेनिकल स्टेज क्राफ्ट से लैस शाही दरबार में जमा जर्क बर्क पोशाकों से जगमगाती कास्ट पर उन्नाबी मखलबी मखमली पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरा। बाहर आकर ड्रेस सूट में मलबूस पारसी मैनेजर रुस्तम जी पिस्टन जी ने कंपनी की तरफ से पब्लिक का शुक्रिया अदा किया और अगली रात का प्रोग्राम अनाउंस किया। चवन्नी वालों की सीटियों और तालियों के शोर में हॉल बर्की कुमकुमों यानी बिजली के बल्बों से जगमगा उठा। उन्नाबी प्लश के ड्रेस सर्कल में से निकलकर शुरफाए लखनऊ जीना उतरने लगे। एक कोने वाले लेडीज बॉक्स में बुर्का पोशों ने फौरन पर्दा बराबर किया। चंद मिनट बाद उनमें से एक ने बाहर झांका। हॉल खाली हो चुका था। चारों का जुलूस बॉक्स से बरामद हुआ। उनमें से एक ने घबराहट में शटल कॉक बुर्का इस तरह ओढ़ लिया था कि आंखों की सफेद जाली सर के पीछे थी। चारों ने अंधाधुंध भागना शुरू किया। एक सुनसान कॉरिडोर में सब्ज बारनाथ से मंडे दरवाजे पर प्राइवेट की तख्ती लगी थी। नीम वा यानी अध खुले किवाड़ से टकराकर चारों गड़ाप से अंदर। अपने प्राइवेट ड्रेसिंग रूम में मलका महर सिंगार मेज के सामने बैठी नकली जेवरात उतारने में मशगूल थी। बल्ब से रोशन आईने में अजीब माजरा नजर आया। एक निकाब पोश घेरदार सफेद बुरके में मलफूफ फर्श पर ढेर तीन निकाब पोश दहलीज पर मौजूद। उई अल्लाह, मलका महर दहल के चीखी। कुंदन मुन्नू बहरूपिये चोर चोर। हाजिर दिमागी से काम लेकर नादिर जंग के कत्ल के इरादे वाले सीन का मस्नूई खंजर यानी नकली खंजर जो सिंगार में इस पर रखा था उठाया। फर्श पर पड़ी मखलूक बुरके में उलझी हाथ पांव चलाकर आजाद होने की कोशिश कर रही थी। मलका महर ने कड़क कर पूछा, कौन? हम लल्लू। बुरके में से एक कमसिन आवाज आई, मैडम हम हैं लल्लू जी, हमें निकालिए, हमारा दम घुटा जा रहा है। फिर हाथ पांव मारकर बुरके में से एक 15 साला
साहबजादे बरामद हुए। मलका महर को बेख्तियार हंसी आ गई। उसने दरवाजे पर नजर डाली। अब बकिया तीनों की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने निकाब उलट उल्टे। तीनों के रंग फक। उनमें से एक ने स्कूल की कॉपियां हाथ में बड़ी एहतियात से संभाल रखी थी। जहां दीदा तजुर्बाकार थिएटर वाली ने सोचा भौरे में पले शरीफ जादे माँ बाप से छुपकर नाटक देखने आए हैं, ये लखनऊ है, यहां जो भी ना हो कम है। किसी की उम्र 16-17 साल से ज्यादा ना थी और वो इस तरह मभूत खड़े थे गोया अपनी आंखों पर यकीन ना आता हो कि इतनी मशहूर हीरोइन के ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। बैठ जाओ, हीरोइन ने टपट कर कहा। वो चारों बुरके समेत सोफे पर एक कतार में बैठ गए। मलका महर ने खंजर मेज पर रखकर अट्राफ रोजेस अपने ऊपर छिड़का, इत्मीनान की सांस ली, फिर स्टूल पर बैठकर पुकारी, कुंदन हरामजादी छिनाल कहां मर गई? लड़कों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। उनके ख्वाबों की मलका, न्यू अल्फ्रेड कंपनी की चीफ एक्ट्रेस, सैद हवस की नामवर अदाकार गुलनार बाई अटावे वाली, भड़भूंजनों भटियारनों की तरह गालियां दे रही थी। एक टर्री शक्ल वाली औरत कमरे में घुसी, लाल लहंगा, नीला शलोका, हरा दुपट्टा, नाक में बुलाक, खासी बंदरिया, मसख, फटकार ज्यादा सूरत। गुलनार भाई सब बरस पड़ी, कलमुई मालजादी, मैं यहां कट जाऊं लुट जाऊं, डकैतान पड़े ठगान घुसे, खेल खत्म हुआ नहीं और तुम सब चरस का दम लगाने बैठ गए। दरवाजा किसने खुला छोड़ा? अरे ये तो खैर स्कूल के छोकरे निकले, चोर बदमाश उचक्के होते तो, और मंडवे के चौकीदार सब इन्फ्लुएंजा में मर गए क्या? मुनवा भसम हो गया, उसकी गोर में यानी कब्र में कीड़े पड़े। 2.5 घड़ी की आए, मरते वक्त कलमा नसीब न हो। कुंदन ने जल्दी से बेदे मुश्क पेश किया। इतने में एक दुबला पतला घुंघरी आले बालों वाला लड़का, जो शक्ल से गुलनार का भाई मालूम होता था, अंदर आया। भाची भाची क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। मुनवा के बच्चे हरामजादे बड़वे दरवाजा तो खुला छोड़ गया था। चारों बुरका पोश बौखला कर खड़े हो गए। ये जगह तो भंगड़ खाना निकली और मिस गुलनार टकी हाई। बैठ जाइए आप लोग, गुलनार ने गरज कर कहा। जाते कहाँ हैं? अपना पता निशान बताकर जाइए। पूछताछ के लिए कल कलां आपके बाबा आकर मेरे सर पर सवार हुए तो उनको क्या जवाब दूंगी? ओ कुंदनिया, बाबा लोग के लिए सोडा लेमन ला। बाजी पिस्टन जी को बुलाऊं? मुनवा ने मुस्तैदी से दरियाफ्त किया। वो लाल लाल आंखों से बुरका पोश लड़कों को घूर रहा था। भाग जा बे राम की औलाद। गुलनार भाई ने बालों का नुकरई बर्श उसकी तरफ गुस्से से फेंका। दरवाजे पर जा बैठ अपने स्टूल पर। कोई इन बच्चों को ढूंढता आए तो मुझे इत्तला करना। बहुत अच्छा बाजी। मुनवा सर झुकाए जाकर बाहर अपनी ड्यूटी पर बैठ गया। कुंदन ने नीले फूलदार ग्लासों में सोडा लेमन लड़कों को पेश किया। बाहर जाओ, गुलनार ने हुक्म दिया। कुंदन बुलाक के नीचे मुस्कुराती लहंगा फड़काती गलियारे में चली गई।
गुलनार ने किवाड़ बनकर के अंदर से चिटखनी लगा ली। कुंदन कॉरिडोर में निकली, फटक्कड़ मार के मुनवा के स्टूल के करीब फर्श पर बैठ गई। शलोके की जेब से बीड़ी का बंडल निकाला, एक खुद सुलगाई, दूसरी मुनवा को दी, फिर गले में लटके चांदी के खिलाल से दांत कुरेदते हुए बोली, अब के बहुत नन्हे मुन्ने मुर्गे फंसे हैं, किसी की मूछों का कूंडा भी नहीं हुआ। अब लग नखलों के नाबागिल नवाबजादे बुरके ओढ़कर गुल्लू से मिलने आए। ड्रेसिंग रूम के अंदर गुलनार भाई और गुल्लू जान को दरवाजे की चिटखनी लगाते देखकर वो चारे लड़के बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुके थे। बार बार दिल में कह रहे थे, बुरे फंसे, बहुत बुरे फंसे, और सब अपने अपने बुजुर्गों के हाथों बेत से पिटने का तसव्वुर करने में खोए बैठे थे। इतने में एक जादूगरनी नुमा अधेड़ उम्र औरत अंदरूनी दरवाजे से कमरे में आई। अब ये बुढ़िया हमें मक्खियां या बकरे बना देगी, उनमें से एक ने अपने साथी के कान में कहा। जादूगरनी गुलनार भाई और मुनवा की हमशक्ल थी, घुंघरियाले खिचड़ी बाल, बड़ी बड़ी आम की फांकों जैसी आंखों में काजल, नाक में हीरे की लौंग, दाएं बाजू पर तावीज, छींट की अटंगी साड़ी, पांव में स्लीपर, अजब पता थी। उसने चील की सी नजरों से लड़कों को घूरा और बोली, इस मुनुआ के बच्चे को तो पीपे पर रखकर मारूंगी, आपा तुम जरा बाहर जाओ, अभी बुलाती हूं। गुलनार ने कहा। गुलनार अपने जेवर उतारती गई और लड़कों से मुखातिब हुई, अब फरमाइए आपका इसमें शरीफ, उसने बड़े लड़के से पूछा, जिसने वकार के साथ जवाब दिया, बंदे को ब्रिज बिहारी लाल माथुर कहते हैं, बब्बू कहलाते हैं। बेवकूफ लल्लू ने फौरन किरकिरी कर दी और बोले, हम घनश्याम दास रस्तोगी उस लल्लू, और ये नन्ने, और ये हमारे शज्जू भैया सैयद शुजात हुसैन ताल्लुकदार करीमपुर जिला हरदोई। बब्बू ने सिलसिले तारुफ दोबारा अपने हाथ में लेकर मतानत से कहा। गुलनार फौरन ताड़ गई। ये भोले भाले शज्जू मियाँ बाप की जमा मरगी की वजह से ताल्लुकदार हो चुके हैं, ये तीनों उनके मुसाहिबीन हैं, आपके कानूनी सरपरस्त कौन है? गुलनार ने शज्जू से दरियाफ्त किया। शज्जू ने सरासीमा इमदाद तलब नजरों से बब्बू जी को देखा। मामू सैयद रफाकत हुसैन बैरिस्टर ताल्लुकदार बाराबंकी, आजकल छन्ना मल वालों के मुकदमे के लिए दिल्ली गए हुए हैं, बब्बू जी ने बताया। ओहो, बैरिस्टर साहब का नाम तो हमने सुन रखा है, अखबार में फोटो भी देखे। अच्छा, तो वो शहर में मौजूद नहीं, इसलिए आप लोग नाटक देखने चले आए। ये बुरके ओढ़ने की तरकीब किसने समझाई? गुलनार ने दफतन हंसकर खुश हल्की से पूछा। हमने राज इश्क दर खुफिया पुलिस उर्फ गंजीने सुराग रसानी किताब में पढ़ा था, लल्लू जी ने इरशाद किया। और आपके वालिद? गुलनार ने बब्बू जी से पूछा, जो चारों लड़कों में सबसे तेज फहम और होशियार मालूम होते थे। हमारे वालिद मिस्टर कुंज बिहारी लाल माथुर, बैरिस्टर एट लॉ। माशाल्लाह। और आप? तीसरे लड़के से पूछा। वो घबराया हुआ चुप बैठा रहा। बब्बू ने फिर कहा, इनका नाम नन्ने है और इनके फादर शेख रशीद अहमद
अवध पंच अखबार में काम करते हैं ये? उसने लल्लू की तरफ इशारा करके पूछा। बब्बू ने जवाब दिया, लल्लू के फादर रफाकत हुसैन चाचा के रस्तोगी होंगे। गुलजार ने सवालिया निगाहों से बब्बू जी को देखा। वो लखनऊ पहली मरतबा आई थी। हमारे पिताजी जो हैं, लल्लू ने बड़े वकार के साथ तशरीह की, वो रफाकत हुसैन साहब के इलाके के मैनेजर हैं। स्कूल जाते हो? जी हाँ, बब्बू बोले। हम ला मार्टिनीज में, शज्जू कालोन ताल्लुकदार स्कूल में, और नन्ने अमीरुद्दौला जाते हैं। गुलनार ने दोबारा लल्लू और नन्ने पर नजर डाली। दोनों मिस्कीन से बच्चे, शज्जू मियाँ और बब्बू जी से कम हैसियत मालूम होते थे। यहाँ कैसे आए? घर की बग्घी है, लल्लू जी ने जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है स्टेज के पीछे कैसे यहाँ निकले? गुलनार ने पांडान अपनी तरफ सरका कर पूछा। बाहर जाने के लिए खुफिया रास्ता ढूंढ रहे थे, सुराग रसानी की किताब में पढ़ा था, लल्लू जी ने फरमाया। हम अम्मी जान की इजाजत से आए हैं, शज्जू ने जी खड़ा करके पहली बार बात की। बुरके इसलिए ओढ़े के यहाँ हमारे मामू मियाँ या माथुर चाचा का कोई जान पहचान वाला ना देख ले, और हमें घर ले जाने के लिए हमारे आदमी आवेंगे, वो हमें ढूंढते होंगे, इजाजत दीजिए। गुलनार को अब लुत्फ आ रहा था। कहने लगी, बैठो मियाँ, घबराओ नहीं, मैंने कह दिया है, तुम्हारे आदमी सीधे यहां पहुंचा दिए जाएंगे। पान खाते हो? उन्होंने नफी में सर हिलाया, मतलब दही में सर हिलाया। सिगरेट तो पीना नहीं शुरू किया? मत पीना, बुरी आदत है। लड़के हैरान और परेशान गुलनार भाई की सूरत देखा किए। यही भी साहब, चंद मिनट पहले अपने लवाहतीन को गाली कोष्टों से नवाजती कितनी बाजारी और लचर मालूम हो रही थी, पल की पल में दूसरा मास्क पहन लिया। खुश अखलाक, मुहज्जब, शफीक, उन कम उम्र लड़कों को अभी तजुर्बा भी ना हुआ था कि इंसान की शख्सियत के कितने पहलू होते हैं, एक आदमी के अंदर कितनी मुख्तलिफ और मुज़ात हस्तियां छुपी रहती हैं, और बाज लोग मौकों महल के लिहाज से किस तरह अपना रंग बदलते हैं। गुलनार भाई की असलियत क्या थी, बाजारी या शरीफ? गालिबन दोनों, और ये बात शायद खुद उसे मालूम न थी। बड़ी नफासत से पान की गिलोरियां बनाते बनाते उसकी नजर उन कॉफी पर पड़ी जो लल्लू एहतियात से संभाले बैठे थे। उसने दरियाफ्त किया, स्कूल से सीधे यहां आ रहे हो? जी नहीं, हम और शज्जू भैया जो मुकालमे और गाने अच्छे लगते हैं उनको लिख लेते हैं, लल्लू ने जवाब दिया, और सिंगार मेज पर रखे मसनूई खंजर को बड़ी अकीदत से देखा, जो गुलनार ने फौरन उठाकर उन्हें दे दिया। लल्लू और शज्जू बड़े इनहमाक से उसे छू छू कर देखते रहे। ए छुरी, अच्छी छुरी, दे साथ गर्दु साथ है, मैं भी औरत जात हूं और तू भी औरत जात है, शज्जू ने दोहराया और फिर फौरन छेप गए। सुभान अल्लाह, खूब हाफिजा है, गुलनार ने तारीफ की। थिएटर में काम करने को जी चाहता है? जी हाँ। नामुमकिन, गलत बात है, बब्बू ने जो उम्र में सबसे बड़े होने की वजह से उस वक्त खुद को उन अहमक छोकरों का गार्जियन समझ रहे थे, झुंझलाकर कहा। गुलनार जरा बुरा मान गई। क्यों? बंगाल में बड़े बड़े रईस ज्यादा नाटक में काम करते हैं, उसने कहा। बंगाल की बात है, बंगाली बाबू जाने, हमें उनसे क्या गरज, बब्बू ने जवाब दिया।
आपकी तरफ के भी एक बहुत बड़े जमींदार हैं, हाफिज अब्दुल्ला। उन्होंने अपनी कंपनी कायम की है, खुद एक्टिंग करते हैं। और कितने शरीफजादों के नाम गिना दूं? जी हाँ, उनके इनके मामा को तो यही फिक्र है कि ये हजरत भी इसी रंग में न रंग जावें। गुलनार की हिम्मत अफजाई की वजह से शज्जू अब खुद को बहुत दिलेर महसूस कर रहे थे। उन्होंने बब्बू जी को नज़रअंदाज करके एक्ट्रेस से कहा, हम तो आगा साहब के सारे नाटक पहले किताब में पढ़ लेते हैं। सैद हवस का तो हमें एक पूरा सीन जबानी याद है, सुनिएगा। जरूर जरूर। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गई। शज्जू मियां उठे, खंगारे और हाथ लहराकर आगाज किया। जब कैद खाने में बच्चा शहजादा कहता है, नहीं नहीं कजल, मुझे बदभाव नहीं, मैं शोर नहीं करूंगा, भेड़ की तरह बैठा रहूंगा। कजल बोला, खामोश। शहजादा कैसर बोला, मैं हिलूंगा भी नहीं, गरीब गाय की तरह शोर भी नहीं करूंगा और लोहे की तरह गुस्से से भी ना देखूंगा। तुम जो दुख दोगे माफ कर दूंगा। फिर बोला, देखो मेरी बेगुनाह आंखों को रोता देखकर लोहा भी ठंडा हो गया। फजल बोला, मैं इसे फिर गर्म कर दूंगा। कमसिन शहजादे की ट्रेजेडी याद करके शज्जू, लल्लू, नन्ने तीनों बहुत मलूल हो गए। गुलनार बड़ी उनसियत से उनके भोले चेहरों के तासुरात देखा की। उसे ऐसे सीधे सादे बेगर्ज मद्दाहों से आज तक साबिकाना पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक। उसने उठकर चिस्किनी खोली। मिस्टर रुस्तम जी, पेस्टन जी, मैनेजर न्यू अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी की तवील नाक जाहिर हुई, फिर पूरा चेहरा, फिर खुद। उनके पीछे पीछे एक ईरानी टोपी, खिचड़ी मूछें, टूटी ऐनक, स्याह शेरवानी, दूसरी दुपल्ली टोपी, सफेद मूछें, धागे से बंधी ऐनक, सफेद अंगरखा, दाएं हाथ में लिपटी तस्बीह अकीक, उंगलियों में फिरोजे की नुकरई अंगूठियां। गुलनार ने दोनों हजरात को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वाकई लखनऊ को जैसा सुनते थे वैसा ही पाया, एक से एक रंगारंग अफसानवी कैरेक्टर। यंग राजा साहब ऑफ करीमपुर का एडीसी पिस्टन जी ने मरूब आवाज में गुलनार को मुत्तला किया, इनको घर ले जाना मांगता। इस असना में जादूगरनी नुमा बुढ़िया कमरे में आकर मोंडे पर बैठ चुकी थी। राजा साहब करीमपुर का नाम सुनते ही मारे अदब के उठ खड़ी हुई। वो जमाना गुजरे ज्यादा अरसा ना हुआ था जब वो खुद और उसकी बहनें, भांजियां नवाबों के सामने खड़े खड़े गाना सुनाती थीं। उन्हें बैठने की इजाजत ना थी। गुलनार भी मुतासर नजर आई। तो ये शज्जू मियां छोटे मोटे जमींदार ना थे, बाकायदा राजा साहब थे। इस खानदान के मर्दों से राहो रस्म पैदा करना जरूरी है। दोनों एडीसी कुर्सियों पर बैठ गए। ईरानी टोपी वाले ने बड़ी भी पर नजर डालकर दुपल्ली टोपी वाले से सरगोशी की। ओहो, ये तो गुलनार बाई की वालिदा हैं, गुलजार बाई। ये भी अपने जमाने की नामी एक्ट्रेस थी, हम इनके नाटक देख चुके हैं, ये बहुत कदीम है। गुलनार ने पान की नुकरी थाली पेश की। कमरे में मुअद्दब खामोशी तारी थी। बब्बू जी ने सोचा, ये एडीसी की एक ही रही, ये लतीफा मीर हुक्का का मालूम होता है। बब्बू ने दुपल्ली टोपी और अंगरखे वाले बुजुर्ग का तारुफ गुलदार से कराया, मीर नासिर रजा सफवी। गुलनार ने झुककर तस्लीम अर्ज की।
मिर्जा अब्बास कुली बेग अजलबाश, ईरानी टोपी वाले का नाम था, गुलनार कॉर्निश बजालाई, मिर्जा अब्बास कुली बेग अजलबाश, मीर नासिर रजा सफवी, क्या शानदार शाहाना नाम थे, मगर दोनों धान पान मिस्कीन, रंजीदा सूरत खस्ता हाल। और भाई साहब हमारे अलकाब भी सुन लीजिए, ये मिर्जा गुड़गुड़ी और ये मीर हुक्का। ईरानी टोपी वाले ने कहा, गुलनार खिलखिला कर हंस पड़ी, जरा बेतकल्लुफी का माहौल पैदा हुआ। गुलनार समेत तमाम हाजरीन महफिल को इल्म न था कि मिर्जा अब्बास कुली बेग उर्फ मिर्जा गुड़गुड़ी और मीर नासिर रजा सफवी उर्फ मीर हुक्का दोनों साहेबान ईरान और हिंद के बिल्कुल आगा हशर की सी घनगरज वाली माजी की बची खुची यादगारें हैं। गुलनार भाई जो अपने तबके और अपने माहौल के लिहाज से बहुत जहीन और हसास लड़की थी, कभी कभी सोचा करती थी कि थिएटर हॉल या मंडवे की स्टेज तो खैर है ही, जिसे मशीनों के जरिए परियां ऊपर से उतारी जाती हैं, बिजली की रोशनी तरह तरह के तासुर पैदा करती है, रंग बिरंगी शाही पोशाकों से तिलस्म बन जाता है, मगर दुनिया का मंडवा उससे ज्यादा हैरत अंगेज है। अंग्रेजी दा पारसी एक्टर मास्टर बहराम फिरोज ने एक मरतबा से बताया था कि विलायत वाला शेक्सपियर, जिसके ड्रामों के उर्दू चर्बे हम लोग पेश करते हैं, यही बात बहुत पहले कह गया है। गुलनार भाई मास्टर फिरोज पिस्टन जी के हजार हा शायकीन और तमाशाई, सारा हिंदुस्तान जन्नत निशान, उर्दू पारसी थिएटर की मानिंद, एक एनोक्रोनिस्टिक तमाशा था और जमा व मकान की कयूद से आजाद। जिस तरह पारसी स्टेज पर हरीशचंद्र, नल दमयंती और चंद्रावली गजलें और रुस्तम व सोहराब, शीरी व फरहाद हिंदी भजन गाते थे, अहद चंगेज खां में जंग ट्रांसवाल का जिक्र होता था और अरब व अजम और हिंद कदीम के मसखरे किरदार और विक्टोरियन म्यूजिक हॉल की मकबूल धुनों पर बांधी हुई चीजें अलाप कर उधम मचाते थे। हिंदुस्तानी मिजाज जमा व मका की कयूद से बेनियाज व आजाद, हर तफरी से लुत्फानंदाज होने के लिए तैयार था। कदीम संस्कृत रंगभूमि के कवानीन, मस्खरों के जेली प्लॉट, नौटंकी के मानिंद गानों की फरावानी, ईरान और तोरान के एपिक्स की शान शौकत, स्टाइलाइज अदाकारी और विक्टोरियन मेलो ड्रामा का यह माजून मुरक्कब जो उर्दू थिएटर कहलाता था, पिछले 60-70 बरस से कॉलोनियल हिंदुस्तान के खवास व आवाम का महबूब तरीन सरमाए तफरी था। और इसी उर्दू पारसी थिएटर के सारे लवाजम और खसूसियात आज के 50 साल बाद तक की हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरह दायम और कायम रहने वाली थी, क्योंकि हिंदुस्तान जमान और मकान की कयूद से आज़ाद था। आज इस वक्त गुलाबी जाड़ों की उस खुशगवार रात, रुस्तम सोहराब की जरा मज़ेका खेज ट्रैजिक नस्ली यादगार, बेचारे गुजराती पारसी रुस्तम जी पिस्टन जी जो जाम जमशेद की तलछट की भी तलछट की
एक बूंद थे। जब बेचारे सज्जू को बड़े शेक्सपियरियन अंदाज में गुड नाइट यंग प्रिंस कहकर बाहर गए, तो फ्यूडल ऐश परस्ती की यादगार गुलजार भाई ने दिल में सोचा, लखनऊ में दूसरी ही रात एक नवाबी खानदान से गुल्लू की मुलाकात नेक शगुन है। उन्होंने बेटी का नकली ताज बाजूबंद चंदनहार समेट कर अलमारी का पर्दा सरकाया, उसमें नकली तलवारों का ढेर कोने में रखा था। लड़के बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देखने लगे। भैया आप घर चलिए, मीर हुक्का ने उठते हुए कहा। उनके उठते ही सब फौरन खड़े हो गए। गुलजारों गुलनार समझ गई शज्जू मियाँ के जाती अमले की अहम तरीन हस्ती यही है। ये तलवार तो मास्टर अख्तर अफंदी चला रहे थे, शज्जू एक तलवार तबरुक के माने छूकर बोले। मीर साहब, गुलनार ने मीर हुक्का से कहा, अगर मुनासिब समझें तो साहबजादे को थोड़ी देर के लिए कल तीसरे पहर हमारे होटल ले आए। इन्हें मास्टर अख्तर अफंदी और मास्टर बहराम फिरोज दोनों से मिलवा देंगे। अख्तर अफंदी और बहराम फिरोज, लड़कों ने खुशी से उछलकर दोहराया। तो ये थी पहली किस्त इस नॉवेलेट की। पर्दा गिरने के बाद दूसरी किस्त कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत।